everybody and welcome back to my channel. So, आज है सैटरडे एंड यूके का लॉकडाउन खुल चुका है. सो काफ़ी सारी शॉप्स खुल गई हैं एंड जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि घर में बहुत सारा रेनोवेशन चल रहा है, तो काफ़ी कुछ रेनोवेट हो गया है और किचन भी मेरा रेडी हो गया है. सो मैं बहुत ही जल्द आपको किचन का वीडियो दिखाऊंगी और उसके लिए ज़रूर इसका नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा. और आज हम जा रहे हैं कुछ नेसेसरी चीज़ें लेने के लिए घर के लिए और नॉर्मल ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए भी. तो चलिए चलते हैं और कुछ मैं होम ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें लूँगी और आपके साथ शेयर करती रहूँगी. तो आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, सनी वेदर है, स्प्रिंग आ गया है. तो चलते हैं और आप भी चलिए मेरे साथ शॉपिंग पर. सो फ्रेंड्स, अब मैं बस बाहर आ चुकी हूँ और अब हम सब रेडी हैं जाने के लिए. और आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा सा था और हम बस अब कार में सेटल हो गए हैं और निकलने लगे हैं. एंड आज का मौसम ही काफ़ी अच्छा है, धूप से निकली है तो काफ़ी अच्छा लगेगा हमें आज बाहर घूमकर, क्योंकि ऐसा कम ही होता है और हमेशा बारिश और वो सब चलता रहता है. लेकिन आई थिंक अब समर्स आ रही हैं तो मौसम अच्छा रहने वाला है एंड स्प्रिंग चल रहा है अभी. तो सबसे पहले हम जाएंगे यूनिवर्सिटी. यस, मेरे हस्बैंड साइंटिस्ट हैं, वो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, तो उनको कुछ अपना काम था यूनिवर्सिटी में 1 घंटे का. तो फिर हम उसके बाद में जाएंगे शॉपिंग करने के लिए. तो मैं परी को तब तक यूनिवर्सिटी में घुमा दूँगी क्योंकि वहाँ पर अच्छा गार्डन्स वगैरह हैं, तो वो थोड़ा सा खेल लेगी एंड तब तक मेरे हस्बैंड भी अपना काम ख़त्म कर लेंगे. तो यही डिसाइड हुआ था एंड फिर मैं यूनिवर्सिटी के दूसरे सेक्शन में आ गई थी जहाँ मैं परी को थोड़ा सा घुमा सकती हूँ. और यहाँ पे गार्डन है और बेंचेस हैं, वहाँ सभी लोग बैठे रहते हैं. लेकिन आज आई थिंक कुछ फेस्टिवल की तैयारी हो रही थी, स्प्रिंग समर कुछ, तो बहुत सारे यहाँ पे ये उन्होंने वाइट कलर के टेंट्स वगैरह लगा रखे थे और शॉप्स बना रखी थी. अभी आज तो वीकेंड था इसलिए बंद थी, तो उसी की तैयारी हो रखी थी. तो फिर हमने सोचा कि हम दूसरे सेक्शन में चले जाते हैं एंड वैसे सभी लोग वहाँ घास में बैठ के धूप के मज़े ले रहे थे एंड परी को भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो फ्रीली घूम सकती थी, दौड़ सकती थी एंड उसको ऐसे भागना दौड़ना और बहुत पसंद है. लेकिन आजकल मैं उसको ज़्यादा पार्क में नहीं ले जा पा रही थी रेनोवेशन के कारण, घर के रेनोवेशन के कारण. तो आज उसकी फुल मस्ती हो गई है और मैं उसको भाग लेकर आई हूँ. तो अब मैं जा रही हूँ दूसरे सेक्शन में और यहाँ देखें कितना अच्छा चेरी ब्लॉसम का पेड़ है और बहुत अच्छे से यहाँ पर फूल भी निकले हुए हैं. एंड मेरे आई थिंक कैमरा में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही, वो शेक कर रहा था. एंड ये देखें बड़ी सी टावर, जो क्लॉक जो बहुत दूर दूर से दिखती है. एंड ये है प्यारा सा चेरी ब्लॉसम का पेड़, कितने खूबसूरत इसके फ्लावर्स लगते हैं और कितना ही सुंदर ये पेड़ है, बहुत ही बहुत पसंद आता है मुझे. एंड परी भी वो फ्लावर्स देखने गई है वहाँ पर एंड दौड़ दौड़ कर खेल रही थी. एंड यहाँ पर मैंने कुछ फिर उसके पिक्चर्स भी क्लिक किए थे एंड कुछ छोटे छोटे वीडियोस भी बनाए थे. सो दोस्तों, यूनिवर्सिटी में टाइम बिताने के बाद फिर मेरे हस्बैंड का जब काम ख़त्म हो गया, अब हम आए हैं शॉपिंग के लिए. तो सब हम यहाँ पर उनके यूनिवर्सिटी के पास में ही एक बड़ा सा सेंटर है शॉपिंग का, जहाँ पर विल्को, सेंसबरी सब कुछ है. तो हम वहाँ आए हैं एंड सबसे पहले हम आए हैं विल्को में. यहाँ से मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें देखूँगी किचन के लिए, कुछ कुछ नई चीज़ें, क्योंकि दोस्तों आपको शायद मैंने बताया ही है कि हमारा न्यू किचन बन चुका है एंड उसका वीडियो मैं बहुत ही जल्द आपके साथ शेयर करूँगी. तो बस मैं यहाँ पर किचन के और फ्रिज के ऑर्गेनाइजेशन के लिए और किचन ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ कुछ सामान देख रही हूँ. मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर
कुछ कुछ चीज़ें डिसाइड भी कर ली हैं कि हमें कैसे क्या रखना है, और उसके लिए हमें काफ़ी सारी डेकोरेशन की चीज़ें भी लेनी पड़ेंगी क्योंकि पूरा घर ही हमने रेनोवेट किया है, तो सारी जो वॉल आर्ट्स, पेंटिंग्स, जो जितना भी लगा हुआ था वो सब निकल चुका है एंड अब हम नए सिरे से घर को सजाना शुरू करेंगे। तो जो जो चीज़ें हमें दिखती हैं कि हमें यूज़फुल हैं वो हम ले लेते हैं, और यहाँ पे हम आए हैं सेंसबरी एंड कहीं पे भी आप जाओ तो फिर सबसे पहले आपको ट्रॉली साफ़ करनी पड़ती है और सैनिटाइज करो हाथ, क्योंकि फिर परी को एक बार ट्रॉली पे बिठा दूँ तो सही रहता है, नहीं तो फिर वो इधर उधर भागती है। एंड जैसा कि आपको पता है स्प्रिंग आ गया है तो गार्डन्स की चीज़ें भी काफ़ी अच्छी अच्छी मिल रही हैं, गार्डन में लोग खूब सजाते हैं, इस समय तो इतना ब्लॉसम रहता है कि फ्लावर्स वगैरह काफ़ी अच्छे से निकलते हैं। तो हम आए हैं सेंसबरी अब, एंड सेंसबरी में भी चीज़ें काफ़ी अच्छी मिलती हैं, सुंदर होती हैं, तो वही हम सब देख रहे हैं कितने खूबसूरत खूबसूरत प्लांट्स हैं, कुछ आर्टिफिशियल भी हैं और फ्रेश भी हैं। एंड अब परी के लिए भी हमें कुछ लेना था कपड़े वगैरह, तो वही मैं चेक करने आई हूँ, मुझे उसके लिए एक पैंट लेनी थी एंड जो जीन्स वाली पैंट होती है वो मैंने ली। एंड फिर से हम कुछ डेकोरेशन की चीज़ें देखने आए थे और एक खूबसूरत सा मिरर भी मुझे लेना है अपने लिविंग स्पेस के लिए। सो फ्रेंड्स, अब हम घर आ चुके हैं एंड मैंने जो जो सामान किचन, एक्चुअली मैंने फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिया है सामान, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो एक मैंने ये फ्रीज़र, फ्रिज और फ्रीज़र की ट्रे ली है, तो ये फ्रीज़र में काफ़ी अच्छी रहेगी क्योंकि हमने जैसा कि नया फ्रीज़र लिया है तो उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मैंने ट्रे ली है, तो इसमें आप आराम से कुछ भी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। साथ ही में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए भी मैंने फ्रिज के लिए ये 3 बास्केट्स ली हैं, और एक ये फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही एक और बास्केट ली है। तो जो जो मुझे दिखा विल्को में ठीक जो मुझे मिल सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो मैंने लिया है, एंड अभी काफ़ी कुछ और चीज़ें लेना बाकी है, और साथ ही में मैंने कुछ घर की यूज़फुल चीज़ें ली हैं, एंड साथ ही में ये सॉकेट, हमने न्यू लाइट्स लगाई तो उसके लिए भी ज़रूरी है वो लिया है, एंड ये एक पेरी पेरी सीजनिंग। और अब मैं आपको दूसरी ग्रॉसरी शॉपिंग भी दिखा देती हूँ जो मैंने इस वीक में की है। सो ये वाला जो मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग की है इस वीक के लिए वो है यहाँ पर, मैंने सारी साफ़ करके रख दी है, मैंने अपनी बेटी को भी नहला वहला दिया है तो बस मैंने अभी साफ़ करके रख दिया, मैं जल्दी से ऑर्गेनाइज कर दूँगी इसको, तो मैं एक बार आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक चिली का पैकेट, तो काफ़ी बड़ा पैकेट है, एक वीक के लिए मेरे लिए काफ़ी है। साथ ही मैं 3 पैकेट से टोमेटोज़ लिए हैं, एंड ये वाला एप्पल जूस हमें काफ़ी पसंद आता है ट्रॉपिकाना का, तो वो लिया है। अपनी बेटी के लिए मैंने इनोसेंट की स्मूदीज़ ली हैं, 2 टाइप्स की, एप्पल एंड ब्लैक करंट एंड स्ट्रॉबेरी रेसबेरी एंड एप्पल्स, तो एक स्मूदी मैं उसको दे देती हूँ। एंड साथ ही में मैंने लिया है ये 2 मिल्क, तो ऐसे वाले मिल्क जो मिलते हैं हमें, इनका स्वाद काफ़ी अच्छा लग रहा है तो मैंने ये लेना शुरू किया है आजकल। एंड पीछे है घी एंड ब्लैक पेपर, एंड मुझे फ्रेश कड़ी पत्ता काफ़ी दिनों के बाद दिखा था आस्था में, तो मैं वो भी लेके आई हूँ। यहाँ पर कुछ कैरेट्स हैं, एंड यहाँ पर है बेबी कॉर्न, पीछे है स्पिनिच एंड राजमा एंड स्पेगेटी एंड और कुकुम्बर है, सब्जी है, गोभी एंड पनीर, मूंग दाल, यहाँ पर है बनाना, कुछ चिक पीस, लेटस एंड वहाँ पर बेबी के डाइपर्स। तो काफ़ी दिनों से मैं काफ़ी ग्रॉसरी शॉपिंग करने नहीं गई थी क्योंकि घर का रेनोवेशन एंड ऑल चल रहा था, और मैं इस बार ध्यान से सभी चीज़ें लेकर आई हूँ। और साथ ही में है ये बड़ा सा अनियन का बैग, सो अनियन तो हमें ज़रूरी लगता ही है इंडियन खाने में काफ़ी, तो यही है मेरी किचन की शॉपिंग। एंड साथ ही मैं एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई, मैंने ये लिया है 2 बड़े किचन टॉवल का सेट, तो ये है
किचन टॉवल्स जो मुझे यूज़ में आती हैं काफ़ी, ये लिया है मैंने न्यू। एंड यहाँ पे ये माइक्रोफाइबर, ये पतले वाले हैं, तो ये दो मैंने किचन टॉवल का सेट लिया है। एंड साथ ही में हमने लिया है एक गुलाब जामुन, तो हम काफ़ी टाइम से भोग लगाने की भी सोच रहे थे भगवान को, वो लिया है। एंड पीछे है एंटी मिल। तो यही है दोस्तों इस बार की मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग। चलो दोस्तों अब मैं करती हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड। एंड आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप सब अपना और अपनों का ख्याल रखें, सेफ रहें एंड बाहर ज़्यादा ना निकलें। एंड मैं आपको मिलूँगी बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय एंड थैंक यू।